हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। मैं आज बनाऊंगी एकदम रेस्टोरेंट जैसा, होटल जैसा शाही पनीर, वो भी घर पर आसानी से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से जो कि घर में ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, उन चीज़ों से मिलाकर मैं डिलीशियस सा कढ़ाई पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कढ़ाई पनीर मैंने घर आए मेहमानों के लिए बनाया है, यानी अचानक से घर आए मेहमानों के लिए। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे पहले मैंने दो फुल साइज़ की प्याज को एकदम फाइनली ऑमलेट साइज़ में कट कर लिया, और दो मैंने प्याज को ऐसे कट कर लिया रफली टाइप का, और तीन मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है कुछ इस टाइप से। इसके बाद मैं यहाँ पर पनीर लूँगी, तो मैं पूरा आधी किलो पनीर ले रही हूँ क्योंकि मैं ये मेहमानों के लिए बना रही हूँ। अगर आप सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कम इन्ग्रीडियंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आधी किलो पनीर लिया है जिसे मैं बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी, और कढ़ाई पनीर में जो पनीर ऐड किया जाता है वो बड़े पीसेस में ही कट करके ऐड किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं कुछ इसे क्यूब्स में कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीन फुल साइज़ के टमाटर का प्योरे बना लिया है, यानी तीन फुल साइज़ के टमाटरों को मिक्सर जार में ऐड करके इसको ग्राइंड करके एकदम फाइन सा प्योरे बना लिया है इसका। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेसल लिया है जिसमें हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तो देखिए ऑयल यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरे को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। ज़ीरा यहाँ पर अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी प्याज, और अब मैं डाइस कट की हुई प्याज ऐड कर दूँगी यहाँ पे। प्याज को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, इसे गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए हाई फ्लेम पर मैंने 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर जब गोल्डन हो गया तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और जो रफली कट की हुई प्याज थी, रफली कट की हुई शिमला मिर्च थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और मैंने इस प्याज के साथ में शिमला मिर्च को इसलिए ऐड किया है ताकि हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए सारा काम कर लें। और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर सारी प्याज को, जो बड़े बड़े पीस में प्याज को कट किया था वो, और शिमला मिर्च को मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो देखिए मैं शिमला मिर्च को और प्याज को इसमें से निकाल ले रही हूँ, जो बड़े बड़े पीसेस में कट की गई थी प्याज। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सारे काम जो है एक ही वेसल में एक ही बार में सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी आसानी से। तो देखिए मैंने शिमला मिर्च और प्याज को इसमें से निकाल लिया है, और छोटी छोटी प्याज जो थी वो यहीं पर रह गई है इसी में वेसल में, और बहुत केयरफुली निकाला है ताकि जो छोटी वाली प्याज है वो बड़ी वाली प्याज के साथ और शिमला मिर्च के साथ ना आए, और ये अच्छे तरीके से एकदम परफेक्टली फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर टमाटर का प्योरे ऐड कर दूँगी, और टमाटो के प्योरे को अच्छे तरीके से प्याज में मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जो मिक्सर जार में लगा रह गया था उसमें भी पानी मिक्स करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि टमाटो का जो प्योरे है वो वेस्ट ना हो। इसके बाद मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं। बाकी जो नमक है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक ऐड करने से जो टमाटो का प्योरे है वो और भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी उसकी बहुत जल्दी से, इंस्टेंटली। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, इससे ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर,
तो देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून रही हैं, ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो गया है और मैंने इसको थोड़ा सा ढक के भी भून लिया है। तो देखिए मसाले यहाँ अच्छे से भून गए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी क्रीम। मैं यहाँ पे हाफ कप भर के ऐड कर रही हूँ ये मिल्क की क्रीम यानी दूध पे की मलाई। और अगर आपके पास दूध पे की मलाई नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, बाहर से मार्केट से फ्रेश क्रीम ला के भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरी हाफ कप क्रीम मैंने इसमें ऐड की है, इससे जो है बहुत ही क्रीमी एकदम टेक्स्चर आ जाता है ग्रेवी में। और जो रेस्टोरेंट वाले कढ़ाई पनीर वगैरह बनाते हैं उसमें भी वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में फ्रेश क्रीम का यानी मिल्क क्रीम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाले पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो तेज पत्ते ऐड कर दिए मैंने। और अब मैं यहाँ पर पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर को यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। पनीर को जो है बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पनीर जो है ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है। बस हमें थोड़ा सा पका लेना है यानी मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो पनीर का फ्लेवर है वो ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बस इतना ध्यान रखना है कि ओवर कुक नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब मैं यहाँ पे फ्राई की हुई प्याज और शिमला मिर्च दोनों चीज़ें मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब हमारा एकदम रेस्टोरेंट वाला एकदम ढाबे वाला ये कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो गया है। और अब हम 2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब हमारा कढ़ाई पनीर बनके हो गया है तैयार। तो देखिए स्पेशल एकदम होटल वाला रेस्टोरेंट वाला कढ़ाई पनीर बनके हो गया है तैयार। आप भी आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं। तो पहले आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। आप इसे चाहें तो तंदूरी रोटी के साथ या फिर बटर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।